भारतीय कुश्ती संघ प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली खिलाड़ियों के साथ कल रात में दिल्ली पुलिस ने मारपीट और हाथापाई की है। ये आरोप इन खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि बिना इजाजत आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती धरनास्थल पर जबरन फोल्डिंग चारपाई ले जाना चाहते थे, जिसे रोकने पर पहलवानों के साथ धक्का मुक्की हुई है। लेकिन रात में पुलिस की कार्रवाई से परेशान खिलाड़ियों ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की है। परेशान खिलाड़ियों ने पदक लौटाने तक की धमकी दे डाली है। खिलाड़ियों के समर्थन में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता महावीर फोगाट ने भी सम्मान वापस करने की बात कह दी है। जबकि दूसरी तरफ आज की खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट से खिलाड़ियों को झटका लगा है। अदालत ने खिलाड़ियों को निचली अदालत या फिर हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। हालांकि खिलाड़ियों को राजनीतिक दलों का समर्थन मिलता जा रहा है। कांग्रेस, लेफ्ट, आम आदमी पार्टी से लेकर आज तो शरद पवार जैसे नेता ने भी खिलाड़ियों के समर्थन में ट्वीट किया है और पुलिस पर कार्रवाई की मांग की है। बीते 11 दिनों से जंतर मंतर पर बैठे इन खिलाड़ियों की मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या FIR दर्ज होने के बावजूद ब्रजभूषण सिंह से पूछताछ नहीं करने से दिल्ली पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। क्या दिल्ली पुलिस किसी सियासी दबाव में काम कर रही है? क्या इस मसले में सुस्त कानूनी कार्रवाई के पीछे वोट की सियासत है? दिल्ली के जंतर मंतर पर अंधेरी रात, बारिश की मुसीबत और पुलिस का कहर, तीनों एक साथ झेल रही थी वो ओलंपियन बेटियां जिन्होंने देश का नाम दुनिया तक रोशन किया है। ऐसी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें जंतर मंतर पर रात में हुई हाथापाई और झड़प साफ दिख रही है। ये देखो, इस बंदे ने शराब पी रखी थी और ये अभी भी यहाँ बैठा है और पूरा प्रशासन तमाशबीन बनकर भाइयों को गाड़ी दिलवाने का काम करा। जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस के SCP धर्मेंद्र कुमार सिंह ने ओलंपियन विनेश फोगाट को गालियां दी, साक्षी मलिक और संगीता फोगाट को पुलिस ने पीटा। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि नशे में धुत पुलिस वालों के हमले में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट से लेकर दुष्यंत फोगाट और राहुल यादव नाम के युवक को चोटें आई है। खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन में वैसे तो कई विपक्षी दलों के नेता आवाज उठाने पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस का आरोप है कि मामला तब बिगड़ा जब आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती बिना पुलिस की इजाजत के धरना स्थल पर फोल्डिंग चारपाइयां लगवाने लगे। पुलिस ने इससे रोका तो पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें कुछ पहलवानों को मामूली चोटें भी आई। घटना के बाद पहलवानों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर आरोपी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमने इनको बोला है, जो भी इनके ग्रीवांसेज हैं उसका ये बिल्कुल हमें कंप्लेंट दे, हम उसको बिल्कुल निष्पक्ष और सही तरीके से जांच करवाएंगे। आज सब पुलिसकर्मी पर नशे की हालत में होने का भी आरोप लगा, उसके लिए भी हम अभी जो जिस पे उन्होंने आरोप लगाया है उसका हम मेडिकल करवा रहे हैं और आप निश्चिंत रहिए कि हम बिल्कुल ही जो भी इसमें होगा निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। उधर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी पुलिस पर तमाम आरोप लगाते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात की। पहले दिल्ली पुलिस ने FIR नहीं दर्ज करी, सुप्रीम कोर्ट के चलते इन्हें FIR दर्ज करनी पड़ गई, तो अभी तक वो जो माइनर लड़की है उसके स्टेटमेंट्स तक रिकॉर्ड नहीं करे दिल्ली पुलिस ने। क्यों स्टेटमेंट्स नहीं रिकॉर्ड कर रही है दिल्ली पुलिस? हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे खिलाड़ियों ने पुलिस के रुख से परेशान होकर अपने मेडल तक लौटाने की चेतावनी दे डाली।
अगर ऐसे ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे, उस मेडल को हम भारत सरकार से वापिस ही लौटा देंगे। मैं तो जो बच्चे जो कहेंगे तो मैं तो बच्चों के जो है जो बैठे हुए विवाह मेडल मैं का क्या करूंगा, यानी कि आप भी वापस लौटा सकते हैं द्रोणाचार्य? बिल्कुल, जब बच्चे लौटाएंगे तो मेरे पास द्रोणाचार्य अवार्ड का क्या रह जाएगा। महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दी थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत या हाईकोर्ट जाने की नसीहत दी है। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर रात में हुए हुड़दंग को देखते हुए दिल्ली पुलिस अब अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। दिल्ली के सभी उपायुक्तों को सीमावर्ती क्षेत्रों में हाईअलर्ट पर रहने को कहा गया है। रामकिंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।